हाँ जी, देखिए लास्ट क्लास में आपका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है ना ब्लैक बॉडी पार्ट वाला खत्म हो गया था। आज इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और फिर अपन आगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारा इस बैच में आरयू एंट्रेंस वाले बैच में कितना पार्ट हो गया? ईएमटी हो गया क्या? ईएमटी का शायद एक लेक्चर और बचा हुआ है ना, तो कल आपका ईएमटी खत्म हो जाएगा और फिर शायद मोहित सर जो है आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे है ना, और इधर से तुम्हारा क्वांटम चल रहा है। थोड़ा सा टाइम तुम्हारा बढ़ाना पड़ेगा है ना, क्योंकि तो टारगेट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो है तुम्हारा सीयूईटी से पहले हो जाए है ना। चलिए ठीक है, ओके। तो देखो लास्ट क्लास में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, मैं जल्दी से 10 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ आपको, है ना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे यू न्यू, जिसको तुमने एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व बोला होगा, न्यू के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से आता है एक्सपेरिमेंटल कर्व, और ऐसे ही सिमिलरली यू लेमडा और लेमडा के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपके पास वो कुछ कुछ इस तरह से ही आता है। डिफरेंस मेनली होता है इनके न्यू एम का, जो न्यू एम होता है वो तो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जबकि लेमडा एम क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। वेरी गुड। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंटल कर्व को समझाने के लिए प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला दिया, जिसको प्लांक का विकिरण सूत्र बोलते हैं अपन। वो क्या था तुम्हारे पास में? यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एच न्यू ई की पावर एच न्यू अपॉन केबीटी माइनस 1 और यहाँ पे डी न्यू। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हो? लेमडा के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास में वीन का विकिरण, सॉरी रेले जीन्स लो आया सबसे पहले, रेले जीन्स। ठीक है, रेले जीन्स लो, रेले जीन्स लो। तो रेले जीन्स ने क्या बताया था भाई? रेले जीन्स ने लो फ्रिक्वेंसी के लिए यानी कि लघु आवर्ती के लिए बताया था, या फिर दीर्घ तरंग दैर्ध्य अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या होगी? एच न्यू लेस देन केबीटी। अपने आप न्यू कम हो गया ना तुम्हारे पास, फ्रिक्वेंसी कम हो गया। ठीक है, तो इसको जब तुम सोल्व करोगे, मैंने बोला डायरेक्टली याद रखना है आपको, तो यू न्यू डी न्यू आपको मिला होगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब केबीटी, और यहाँ पे डी न्यू आप चाहे लिख देना। ठीक है, ये आपके पास आया होगा, और साथ में इसका इन टर्म्स ऑफ लेमडा के फॉर्म में तुम्हारे पास आया होगा यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। यस, वेरी गुड। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वीन्स का देखूं है ना, वीन्स का लो, वीन्स लो अगर देखूं, वीन का विस्थापन का नियम देखूं, तो उसमें जब हमने हाई फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे, दीर्घ आवर्ती की बात करेंगे, यानी कि एक तरह से किसकी बात करेंगे? लघु तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, तो उस केस में तुम्हारे पास ये आया होगा यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई कितना था? 8 पाई न्यू, इसको न्यू के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं ना, तो ये आएगा तुम्हारे पास में 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन में सी क्यूब, और नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके हो जाता है ई की पावर। वेरी गुड। और यहाँ पे डी न्यू, और लैम्डा के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो यू लैम्डा डी लैम्डा आपके पास हो जाएगा 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5। यस, ये तुम्हारे पास ऐसे आएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा के बी टी और यहाँ पे डी लैम्डा। ये तुम्हारे पास ये याद होने चाहिए भैया ना, डायरेक्टली पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। और मैन यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आया था? लैम्डा एम टी बराबर बी है ना, यानी कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/टी। हाँ, ये एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी है ना। ठीक है, तो ये मेनली देखो ये सारे फॉर्मूले अपन ने लास्ट क्लास में देख लिए थे, और इसके अलावा एक और चीज मैंने बताई थी, जो आप टोटल एनर्जी निकालोगे जिसको आपने इंटेंसिटी भी बोला होगा, दैट इज सिग्मा ए सिग्मा टी की पावर 4, ऐसे कुछ निकाला होगा आपने। हाँ, ए सिग्मा कोई बात नहीं, ए एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट है जिसको अपन वन भी ले लेते हैं कभी कभी, ए सिग्मा टी की पावर 4 आ गया। तो यहां से तुम्हें साफ साफ दिखने को मिल गया आई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 है ना, और मैंने लिखवाया होगा कि जो आई होता है इंटेंसिटी ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इनटू में टाइम है ना, और ये किसके बराबर होता है? पावर के बराबर। वेरी गुड। पावर अपॉन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? देखो आई टी की पावर 4 है ना, तो एक तो पावर भी टी की पावर 4 हो जाएगा, और पावर अगर स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है तो
तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं है तो अपन दो तीन न्यूमेरिकल करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, फिर अपन आगे चलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की तरफ। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, हो सकता है मैंने करवा भी दिया हो आपको क्वेश्चन, दोबारा लिख लो एक बार। ये पूछा हुआ है ऑलरेडी आरयू के अंदर, ऑलरेडी आईआईटी जैम के अंदर, है ना, हमें तो मेनली इनसे ही मतलब है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, लिखो ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी, हिंदी में भी बोलूंगा मैं, है ना, ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी इमिट रेडिएशन एट ए पीक, इमिट रेडिएशन एट ए पीक, एट ए पीक वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ लेमडा ना, डब्ल्यू एल का मतलब है वेवलेंथ। इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बिकम, इफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बिकम फोर टाइम्स देन न्यू पीक वेवलेंथ बिकम, फोर टाइम्स देन न्यू पीक वेवलेंथ बिकम, ऑप्शन ए लिखो 1/256, बी लिखो 1/64, सी लिखो 1/16 और डी लिखो 1/4। यस वेरी गुड, हिंदी में बोल रहा हूं भाई, हिंदी में क्या है, हिंदी में लिख लो हिंदी वाले स्टूडेंट्स। एक कृष्णिका टी ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य, एक कृष्णिका टी ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा की विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक कृष्णिका टी ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा की विकिरण उत्सर्जित करती है। कृष्णिका का ताप 4 गुना करने पर उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। एक कृष्णिका टी ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा की विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, आगे लिखो, कृष्णिका का ताप 4 गुना करने पर उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। अधिकतम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, हो गया। ठीक है, देखो भाई इधर क्या है आपके पास में, आपको बोला हुआ है ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी इमिट रेडिएशन एट ए पीक वेवलेंथ लैम्डा, है ना, मतलब सिंपल देखो ऐसा बोला हुआ है, समझना यहाँ पे, ये बोला हुआ है यहाँ पे यू लैम्डा और यहाँ पे लैम्डा होता है, तो पहले वाले के लिए इसके लिए ये वैल्यू जो दे रखी है आपको, ये आपको लैम्डा दे रखी है और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी दे रखा है। आगे बोला जा रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दे, 40 कर दे, तो उस केस में तुम्हारे पास में इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, है ना, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा के मान लो फॉर एग्जांपल 40 करने पर तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आता है, और इसको मैं बोलता हूँ लैम्डा डैश, तो इसकी वैल्यू तुमसे पूछा हुआ है, तो आपको पता है ये क्या होता है, तुम्हारे पास में लैम्डा एम होता है ना, इसको लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T बोलते हैं, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 1/T डैश इनटू इसका लिखोगे तो 1/T कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा 1/T डैश की जगह 40, टी से टी कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां से, नोट कर लो, चले आगे, चलो एक न्यूमेरिकल और लिखो,
क्वेश्चन क्या है, देखो लिखो, कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ सन एंड द मून, कैसे लिख लो, फाइंड, ऐसे लिखो, फाइंड रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ, रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन एंड मून, सन एंड मून, सन एंड मून गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सन, इमिटेड फ्रॉम सन एंड मून, एंड मून आर 4753, 4753 एंगस्ट्रोम एंड 14 माइक्रोमीटर रेस्पेक्टिवली। हिंदी में बोल रहा हूं, सुन लो, हिंदी में सुन लो एक बार, बाद में नोट करना, लिखो। यदि सूर्य और चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जन विकिरण की तरंग दैर्ध्य, यदि सूर्य और चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्रमशः 4753 एंगस्ट्रोन एंड 14 माइक्रोमीटर है ना, यहां पे लिखा हुआ है, देखो 14 माइक्रोमीटर, तब सूर्य और चंद्रमा के तापों का रेशियो अनुपात कैलकुलेट करो, तब सूर्य और चंद्रमा के तापों का अनुपात कैलकुलेट करो, का मान ज्ञात करो, ऐसे लिख लो। अधिकतम उत्सर्जित विकिरण तरंग दैर्ध्य की, विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्रमशः ये रहा देखो, 4753 एंगस्ट्रोम एंड 14 माइक्रोमीटर है, तो उनके तापों की तुलना ना कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ। देखो आपको क्या दे रखा है वो लिख लो एक बार, आपको क्या गिवन है बताओ, रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सन, आपको पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है आपको, टी सन अपॉन में, ये पूछा हुआ है क्या, पहले बताओ देख के, ठीक है आगे क्या गिवन है, गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सन, सन के लिए कितना दे रखा है, लेमडा एम सन, बताओ कितना दे रखा है, यस वेरी गुड, 4753 एंगस्ट्रोम, और दूसरा लेमडा एम मून के लिए कितना दे रखा है, 14 माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर कितना होता है, 10^-6 मीटर, और एंगस्ट्रोम कितना होता है, 4753 10^-10 मीटर। अब तुम्हें क्या पूछा हुआ है, टी सन बटे टी मून आपसे पूछा हुआ है, तो आप रिलेशन जानते हो लेमडा एम और टी में, देखो लेमडा एम टी बराबर होता है बी, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा एम सन इंटू टी सन इज इक्वल टू बी, है ना, और बी को बराबर में कितना लिख सकता हूं बताओ मैं, लैम्डा एम यस मून इंटू टी मून, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको इधर ले आओ, टी सन अपॉन में टी मून इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो मून वाला क्या वेवलेंथ कितना है, मून वाले का ये रहा 14 × 10^-6, और इसका सन वाले का कितना है तुम्हारे पास, ये नीचे जाएगा ना सन तुम्हारे पास, 4753 × 10^-10, ये कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, 10^-4 बचेगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10^4 अपॉन 4753, अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है।
इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 29.5। ये आंसर आएगा भाई। करो इसको जल्दी से। हाँ जी हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें देखो टाइम टाइम पे और भी न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे, जब अभी अपन जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं फिर इससे यहाँ से और न्यूमेरिकल्स करेंगे। याद करने की जो चीजें हैं मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या आपको याद करना है, है ना। चलिए अच्छा इसमें एक चीज और लिख लो, है ना, हो सकता है डायरेक्टली तुमसे पूछ ले। लिखो लिखो द नंबर ऑफ मोड्स, ऐसे लिखो द नंबर ऑफ, नोट करके लिख लो और इसको रिमेंबर याद रखना है। लिखो द नंबर ऑफ मोड्स, द नंबर ऑफ मोड्स, कोष्ठक में लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेडिएशन। देखो ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन इन द फ्रीक्वेंसी रेंज, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अब हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम या टोटल नंबर ऑफ मोड्स किसका, विकिरण का, और आवर्ती रेंज में न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के अंदर, है ना। हिंदी में लिख लेना नंबर ऑफ मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स को नंबर ऑफ मोड्स ही लिख लो आप, या कोष्टक में डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी विकिरण का इस रेंज के अंदर, है ना, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में, है ना, इसको बोलते हैं इस आवर्ती परास के अंदर कितना होगा वो आपको ध्यान रखना है। एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। देखो बाकी यहां पे मैं चीजें आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट चीजें काम में आएगी। बाकी जैसे जीन्स का नियम पढ़ते हो आप, रेले जींस का नियम कितना पढ़ते हो बताओ, यू न्यू डी न्यू कितना पढ़ते हो आप, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब के बी टी, और यहाँ पे डी न्यू लिखते होंगे आप, है ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं जीन्स नंबर, और ये जो होता है इसको बोलते हैं एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो ये जीन्स नंबर जो होता है ना, देखो ये इसको याद करने का तरीका भी यही है, आपको ये याद होगा तो ये आराम से याद हो जाएगा। तो यही जो होता है ये नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑसिलेशन होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर आपको याद रखना है। ठीक हो गया। हेडिंग लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यस, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है भाई, सिंपल समझो, आपके पास कोई एक मेटल प्लेट होती है, मेटल प्लेट इसको बोलते हैं धातु की प्लेट, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, धातु की प्लेट। ये मेटल प्लेट होती है, इस पे कोई भी रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते हैं। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, विकिरण का मतलब होता है जैसे फोटॉन्स हो गए तुम्हारे पास में, और इसको आप बुक में पढ़ोगे तो ऐसा होता है किसी धातु की प्लेट को प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशित का मतलब होता है उसके ऊपर रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया जाता है। तो इस धातु में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया रेडिएशन विकिरण, ठीक, ये तुम्हारे पास हो गया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फिनोमिना होती है पूरी, इसको ही अपन क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब देखो यहां पे जो विकिरण होती है इसकी एनर्जी ई वो क्या होती है, एच न्यू, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फ्रिक्वेंसी के फोटोन को इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा न्यू एस बोलते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी, निरोधी नहीं, थ्रीशोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, थ्रीशोल्ड को एक बार मैं देख लेता हूं, देहली, है ना, देहली आवृत्ति इसको बोलते हैं, थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी होगी, इससे ऊपर की आवृत्ति होगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे, उसको अपन देहली आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए ये छोटा सा डायग्राम आप साइड में बना लो, इससे लिखवाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। हो गया, चलो लिख लो इसके अंदर, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, पहले एक बार इंग्लिश में बोल रहा हूं फिर मैं हिंदी में बोलूंगा, ना लिख लो, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस ऑन इंसिडेंट, ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, ऑन इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड पीईई, पीई का मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीई का मतलब है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, जब किसी धातु की प्लेट पर, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे डेफिनेशन समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है, एक धातु की प्लेट होगी, उस पर फोटोन डालेंगे और वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, अब इसमें एक नोट डाल के लिख लो, दो, पहला नोट डाल के लिखो, फर्स्ट नोट डाल के लिखो, लिखिए लिखो,
इन 1921, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, इन 1921 नोबल प्राइज 1921 नोबल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवार्डेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन फॉर एक्सप्लेन PEE, है ना, समझ जाओगे ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब इतना ध्यान रखना है, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना कि 1921 में, है ना, 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो 1921 और एक अल्बर्ट आइंस्टीन को, है ना, इनको नोबेल प्राइज दिया गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट लिखो नोट, नेक्स्ट नोट क्या लिखो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और याद रखना है इसको, और आरयू एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है, है ना, 2 से 3 बार लिखो, लिखो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मतलब होता है प्रायोगिक सत्यापन बाय रॉबर्ट ए मिलिकन। ना स्प्रिंग में देख लेता हूं एक बार, मिलिकन MILLIKAN, है ना, इसको सही कर लेना, रॉबर्ट ए मिलिकन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये हुआ, देखो दोनों ऑप्शन में होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन भी होगा और मिलिकन भी होगा, लेकिन अगर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन किसने दी, तो आइंस्टीन ने दी, उसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, मिलिकन ने किया, ध्यान रखना, है ना। इन 19 लिखो एंड, देखो एंड, इन 1923 गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है, और इसके बाद 1923 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, क्लियर है सबका। चलो ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लिखो इंपोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक प्रयोग के, है ना, महत्वपूर्ण बिंदु, हिंदी में लिखना चाहो लिख दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिणाम, ऐसे लिख लो, है ना, महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिणाम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रायोगिक परिणाम। ठीक, तो इसमें सबसे पहले लिखो, पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ऐसे लिख लो आप, ना देखो आप समझ जाना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अगर न्यू लेस देन न्यू नोट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। समझना, मैं समझा रहा हूं, जो ये बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी संभव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहां से तभी निकलेंगे जब हम जो
रेडिएशन जो विकिरण इंसिडेंट करवा रहे हैं उसका फ्रिक्वेंसी इस न्यू नोड से ज्यादा होता हो, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर न्यू नोड से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं निकलेंगे। और न्यू नोड आपके पास में क्या है? इसको बोला जाता है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट मींस यस डेहली आवर्ती। तो देखो यहां पे मैं हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूं या इंग्लिश में नहीं लिखवा रहा हूं, आपको वैसे समझा रहा हूं, समझ जाओगे ना इसका मतलब कि जो अब ये भी लिख लेना, ये लिख लेना और इसमें ऐसे लिख लेना, जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब आपतित विकिरण की आवृत्ति, यह है न्यू। और न्यू नोट आपके पास में क्या है? देहली आवृत्ति, दैट इज इंसिडेंट सॉरी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, देहली आवृत्ति थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट यह है जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति एक पर्टिकुलर आवृत्ति से ज्यादा होगी तभी वहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलिए अब देखो चीजों को रिलेट करते जाना भाई अच्छे से, है ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? मेटल प्लेट है, रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन मोशन करने लग जाता है तो वहां पे क्या होती है? करंट होती है क्या? जब कोई भी चार्ज मोशन करता है तो वहां पे क्या होती है? करंट, उसको धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? इस फोटोन की वजह से। फोटोन ने जब इंसिडेंट किया तभी तो करंट मिली वहां पे तुम्हें। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं फोटो करंट। और ये फोटो करंट जो इक्वल होती है वो किसके इक्वल होती है? उसकी इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी यहां पे क्या होगी? कितने फोटोन इंसिडेंट करवा रहे हो उतनी ज्यादा तुम्हारे पास क्या मिलेगी वहां पे? करंट मिलेगी। तो लिख लो इसके अंदर, लिखो हेयर द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हेयर फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब ये हुआ कि जो फोटो करंट होगा ना आई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या होगा? इंटेंसिटी। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, हिंदी में तुम्हारे पास होगा, लिखो हिंदी में, लिखो प्रकाश विद्युत धारा, हिंदी में लिखो प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण के तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो कभी आपने y बराबर x का ग्राफ बनाया भाई? y बराबर x का ग्राफ है? तो देखो ये मेरे पास में हो गया I यानी करंट और ये हो गया इंटेंसिटी, दोनों समानुपाती है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। तो कर्व पूछ सकता है, ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, सही है। अरे यार, चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, ये समझ में आ गया सबको। तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इज डिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी।
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, बट इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ये समझ में आया? इसका मतलब समझो यहां पे है ना, हिंदी में, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं, हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिखो, लिखो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसका मान है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवर्ती के समानुपाती होता है, या आवर्ती पर निर्भर करती है, ऐसे लिखो। दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवर्ती पर निर्भर करती है, जबकि लिखो, जबकि आपतित तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आपतित तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। कुछ समझ में आया नहीं आया? अभी देखो, मैं जब आपको प्रकाश का विद्युत समीकरण लिखवाऊंगा ना, तो बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने इतना बोला है, देखो ये मेटल प्लेट है, यहां पे फोटोन आएगा, रेडिएशन आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी गतिज ऊर्जा होगी ना, जब बाहर जाके मोशन कर रहा है, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? जो इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी आवृत्ति के ऊपर करेगी, उसकी तीव्रता के ऊपर नहीं करेगी, ध्यान रखना, है ना, उसकी तीव्रता के ऊपर नहीं करेगी। यही नोट करवाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, लिखो फोर्थ नंबर, लिखो फोर्थ नंबर, लिखो फोर्थ नंबर, लिखिए, इफ वी इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल, लिखो इफ वी इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल, या इसको ऐसा बोल दूं क्या मैं, डिक्रीज द पोटेंशियल, बात एक ही है ना, नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे मतलब पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज द पोटेंशियल, देन एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल, देखो देन एट ए पर्टिकुलर पोटेंशियल फोटो करंट बिकम जीरो, फोटो करंट बिकम जीरो, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। हिंदी में बोल रहा हूं भाई, है ना, पहले बार लिख लो जल्दी से, लिख लो, देखो यदि विभव को, ऐसे लिखो, यदि ऋणात्मक विभव को इंक्रीज किया जाता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है, यदि ऋणात्मक विभव को इंक्रीज किया जाता है, तो एक निश्चित विभव पर, तो एक निश्चित विभव पर प्रकाश विद्युत धारा जीरो बन जाती है, एक निश्चित विभव पर प्रकाश विद्युत धारा जीरो बन जाती है, ठीक है, ऐसे विभव को स्टॉपिंग मतलब निरोधी विभव कहते हैं, ऐसे विभव को निरोधी विभव कहते हैं, एक लास्ट और लिख लो इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, लास्ट और लिखो, लिखिए, देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड द
देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इंसिडेंट ऐसे लिख लो, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो. देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ताक्षणिक प्रक्रिया है, ताक्षणिक. त्राक्षणिक प्रक्रिया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, बस इतना ही लिख लो, बस हिंदी का मतलब यही है. इसका मतलब देखो ये है, ये बोल रहा है देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये प्लेट है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, फोटोन इसके ऊपर आएंगे, तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ऐसा नहीं है कि फोटोन आ गया, आधा घंटा रुक गया, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, डालते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता. ये एक ताक्षणिक प्रक्रिया होती है. ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे. नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो, लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. देखो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हेडिंग लिखो जल्दी से लिखो, है ना, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. हिंदी में लिख लो, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण. ठीक है, अब देखो इधर, अब तुम्हें ये समझ के करोगे तो याद हो जाएगा, नहीं रटोगे तो हो सकता है भूल जाओ तुम. बताओ यहां पे मेरे पास क्या था, एक मेटल प्लेट, यहां पे तुम्हारे पास क्या आता है, फोटोन आता है. इसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर. और जैसे ही फोटोन आएगा तो यहां से क्या निकलेगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है या नहीं होती है, होती है. अब देखो समझो यहां पे ध्यान से, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं. अच्छा, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू. अब पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करना. ठीक है, तो जितनी एनर्जी जाती है उतनी एनर्जी बाहर निकलती है, ये है इसका मतलब. तो देखो ये एच न्यू किस किस में, ये एनर्जी किस किस में काम में आएगी, एक तो क्या आ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, और एक तो मैं लिख सकता हूं यहां पे के मैक्स, और दूसरा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इससे बंधे हुए हैं मेटल से, है ना, इससे बंधे हुए हैं, बाउंड है, उन इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में. ठीक है, यानी कि वो सरफेस तक आने में, जिसको अपन बोलते हैं दैट इज फाइनोट, है ना, दैट इज फाइनोट. तो ये जो टोटल एनर्जी है ये किस किस में काम में आएगी, एक तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, फ्री करने में, और बची हुई एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए आएगी, है ना. और इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, दैट इज कार्य फलन, है ना. और ये वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच न्यू नोट के बराबर. और न्यू नोट अभी भी आपने क्या लिखा था, लिखा था क्या, देवली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा था. तो ये लिख लो जल्दी से, ये एच न्यू आपके पास है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन मतलब आपतित विकिरण की ऊर्जा, आपतित विकिरण की ऊर्जा. और के मैक्सिमम आपके पास में क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा. ठीक है, आज आप इतना ही देखेंगे, कल जब आओ तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, चारों पांचों इसके जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, है ना, प्रायोगिक जो रिजल्ट थे तुम्हारे पास में, वो आपको ध्यान रखना है. और ये प्रकाश विद्युत समीकरण याद रखनी है, ये याद रख लोगे तो मैं आपको कल आते ही इनके ग्राफ बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर अपन चलेंगे कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर, है ना, कॉम्पटन स्कैटरिंग जिसको आप बोलते हो, है ना. चलिए.
और बाकी ईएमटी जो होने वाली है ना उसको कंप्लीट पढ़ लो भाई, बार बार रिवाइज करो, 10-11-12 क्वेश्चन उसके अंदर आएंगे तुम्हारे पास में, सारे क्वेश्चन सही बनने चाहिए। क्वांटम में इस तरह से करा दूंगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही बनेंगे। फिर उसके बाद में मॉइस्चर ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और मैं देखता हूँ कोई थर्मोडायनेमिक्स या मैकेनिक्स वगैरह स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना।